नोएडा से बड़ी खबर, सफाई कर्मियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सेक्टर 39 प्राधिकरण दफ्तर पर किया प्रदर्शन, जिसके बाद सफाई कर्मचारी भाई मजदूर गरीब उत्थान यूनियन के पदाधिकारियों के साथ मिलकर वरिष्ठ प्रबंधक से वार्ता करने पहुंचे। वरिष्ठ प्रबंधक महोदय से सफाई कर्मियों द्वारा वार्ता अपनी समस्याओं को अवगत कराते हुए सफाई कर्मियों ने वीडियो बनाना चाहा तो आक्रोश में आ गए अधिकारी और कहने लगे, मुझे नहीं करनी आपसे कोई भी बात, करो जाकर आप प्रदर्शन, मेरे पर नहीं पड़ता कोई फर्क। इसके बाद गुस्साए सफाई कर्मचारियों ने कल नोएडा में सफाई का कार्य बंद करने की भी दी चेतावनी। आज यहाँ पर आप प्राधिकरण के दफ्तर पर बैठे हुए हैं, बाहर आखिरकार क्या मांग है, किस वजह से आप बैठे हुए हैं? इस प्राधिकरण ने हमारे यहाँ पर जो कर्मचारी हैं वो 7,000 के समथिंग कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों के साथ बहुत बड़ा धोखा कर दिया। क्या धोखा किया गया? जो यहाँ पे जो कार्य कराया जाता है निश्चित रूपरेखा में तैयार होता है, लेकिन यहाँ 10-10 फुट गहरे नालों में भी इन्हीं कर्मचारियों को लगा दिया 7,000 में, तय कोई वृद्धि नहीं हुई। जितने कर्मचारी कार्य कर रहे थे उनको हटा दिया जाता है, फालतू लगा के दिखा के जैसे कोई अधिकारी आते हैं, जैसे कल मुख्यमंत्री जी का दौरा है उस समय पे प्राइवेटेशन में लेके लोगों को दिखा देते हैं कि भाई हमने बढ़ा दिए कर्मचारी, और ये एक रिपोर्ट गई थी, इस रिपोर्ट के अनुसार ये जो रिपोर्ट है आपकी, इस क्या मुख्य मांग है? ये जो झूठी रिपोर्ट बनाई है इसको, इससे हम संतुष्ट नहीं है बिल्कुल भी। हमारी जो इसमें मांग है, हमने 27/5/2022 में माननीय प्रधानमंत्री जी को अपनी एक याचिका दाखिल की थी, जिसमें हमारी मांग ये थी, नोएडा प्राधिकरण की उस समय में ये तैयारी चल रही थी कि हम 10% नेगोशिएशन में अपना बॉन्ड बना के कर्मचारियों के लिए संविदाकार को देंगे। जब संविदाकार को 10% बिलों में ये बॉन्ड बनाएंगे, जब संगठन के संज्ञान में ये बात आई तो संगठन ने इसका तुरंत विरोध करा। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी दोनों जी को अवगत कराया। इसकी रिपोर्ट जब नोएडा प्राधिकरण द्वारा बनाई गई तो सरासर गलत और झूठी रिपोर्ट। क्या रिपोर्ट बनाई गई है नोएडा प्राधिकरण द्वारा? नोएडा प्राधिकरण द्वारा बनाई गई है। नोएडा प्राधिकरण प्रणाली के जवाब में कह रहा है कि हमारे द्वारा किसी कर्मचारी को कार्य से नहीं निकाला जाता, जबकि आज 250 कर्मचारी नोएडा प्राधिकरण द्वारा बाहर निकले हुए घूम रहे हैं, जिनमें ठेकेदारी के भी हैं और 2.5% के भी हैं। दूसरी, नोएडा प्राधिकरण ये कहता है हम हर महीना, अपनी रिपोर्ट में नोएडा प्राधिकरण कह रहा है हम हर महीना कर्मचारियों को पुरस्कारित करते हैं, जबकि किसी कर्मचारी को पुरस्कारित नहीं किया जाता। नोएडा प्राधिकरण ये कहता है हम आबादी और क्षेत्रफल के हिसाब से अनुबंध बना के तैयार करते हैं और उस अनुबंध के हिसाब से कर्मचारियों की जनसंख्या रखी जाती है, जबकि ऐसा नहीं है। पिछले साल कर्मचारियों की जो जनसंख्या थी उससे इस साल में इन्होंने कम करने का काम तो करा है, ना कि किसी एक कर्मचारी को बढ़ाने का काम करा हो।